Hello guys, welcome back to my channel Sakshi Second Vlogs. Hi guys, what's up? अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ. सान्विका अभी सो रही है, मैंने उसको सुला दिया है. और गाइज इतना काम है ना, मैं आपको क्या बताऊँ. और वीकेंड लाइक वेकेशन या छोटी ऐसे कहीं घूम फिर के आने के बाद से ना काम करने का दिल ही नहीं होता है, बट काम करना पड़ेगा. और बहुत ठंड है यहाँ पे, मेरे घर पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये वॉर्म पहना हुआ है, ये पहना हुआ है, अच्छे से बिल्कुल पैक होके मैं बैठी हुई हूँ, बट स्टिल बहुत ठंड है. एंड सानू है और तो हम लोग हीटर थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, और हीटर अभी यहाँ पे चल रहा है. मम्मा की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बिकॉज कोल्ड कफ एंड ऑल ये सब कुछ काफ़ी चल रहा है. और सानू को भी थोड़ा कोल्ड हुआ था, थोड़ा सा वो बेटर फील कर रही है, अभी ज़्यादा नहीं है. आई थिंक वो अभी सिर्फ 20-30% ही ठीक हुई है. और गाइस जो काम है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है, पूरे घर में सीमेंट हुआ है. और अभी ये पीछे की जो वॉश एरिया है हमारा, वो अभी यहाँ पे काम चल रहा है. इस पर सी दिस, यहाँ पे अभी सीमेंटिंग चल रही है इस जगह पे. पहले इसको ठीक किया जाएगा, फिर इसको अच्छे से किया जाएगा. ये बैल्कनी पूरी हमने रिन्यू कराई है. और एक ब्लेंडर डाला हुआ है अभी, उस पर वो जो डंडे होते हैं ना वो लग रहे हैं. मैं आपको थोड़ी थोड़ी अपडेट दे रही हूँ. तो गाइज बुरे ही हाल हैं इस टाइम, और बच्चे के साथ मैनेज करना हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है. और ये बहुत अब बड़ा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल मैसी हालत में इस टाइम पे घर हमारा. सी दिस, कैसे सीमेंट बेडरूम की हालत बुरी हो रखी है. बट गाइज दिस इज़ द पार्ट, ये तो कभी कर भी कराना ही था. एक्चुअली गाइज ये जो काम है वो बहुत टाइम से डिले हो रहा था. ये चीज़ हमें पहले करानी थी जब जब कोविड नहीं आया था. कोविड आने आज आ गया था, तब ये नहीं हो पाया कोविड की वजह से. फिर मैं कोविड ही चल रहा था, फिर हम लोग घूमने चले गए, फिर मैं प्रेगनेंट हो गई. तो सबको लगा कि प्रेगनेंसी में हाय तौबा ऐसा डस्ट और ये डर्ट हो जाएगा. फिर सानू हो गई, फिर अभी हमें लग रहा था कि बेबी हो गया है, बेबी छोटी है नहीं कर पाएंगे. बट गाइस कब तक, तो हमने सोचा कि कराना तो है ही, वो बड़ी हो जाएगी उसकी, मतलब वो क्रॉल और ये सब करने से पहले ही हम इसे रैपअप करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा. इसलिए हमने काम शुरू करा दिया. तो एटलीस्ट इसको कंप्लीट होने में 10-11 months अभी लगेंगे, क्योंकि घर का साइज़ बहुत बड़ा है और एक एक रूम रिनोवेट हो रहा है, लाइक ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस. सो अभी चलते हुए 3 months हो चुके हैं काम को, और बीच बीच में हमें कभी कभी रोकना भी पड़ता है काम, क्योंकि हम कहीं चले जाते हैं फिर काम बंद हो जाता है. और ऐसी ऐसी चीज़ चल रही है, लाइफ इज़ गोइंग ऑन. चलो स्लो एंड स्टीडी हो ही जाएगा, एट द एंड होना तो है ही. शुरू हो गया, शुरू होना एक बहुत बड़ा टास्क होता है. और गाइस इस रूम के टाइलें हमने रिमूव करा दी. अगर आपने लास्ट व्लॉग्स में भी देखा था, यहाँ पे टाइलें लगी हुई थी, तो यहाँ का भी रिनोवेशन हो रहा है. तो बस ऐसे ही चल रहा है, हम एक रूम में सिमट के रह जाते हैं. सारू और मैं बंद हो जाते हैं जब सुबह काम हो रहा होता है, और 5 बजे या 6 बजे लेबर जाती है, तब साफ़ होता है घर और फिर हम बाहर आते हैं. बिकॉज उसको भी डस्ट नहीं बचाना ही है, जितना भी हो पा रहा है हम बचा ही रहे हैं उसे. सो यस गाइस, ये छोटी छोटी अपडेट्स मैं आपको देने वाली थी. जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, जो लोग भी नए आए हैं मेरे यूट्यूब के पेज पे, तो गाइस जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज. सो गाइज अभी मैं हीटर के पास बैठ के थोड़ा हाथ सेक रही हूँ, बिकॉज हमारे घर में बहुत ठंड है यार. हमारा पूरा घर खुला हुआ है. हम लाइक गर्मियों में भी घर बहुत ठंडा ही रहता है, बट या सर्दियों में भी ठंडा ही रहता है. और धूप हम कहीं ले नहीं पा रहे क्योंकि सारी बालकनी ब्लॉक्ड है. तो अभी मैं ऐसे हाथ सेक रही हूँ अपने, और सामने का भी उठने वाली है, मम्मा आने वाली है. मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है, और आगे की अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी. आज है सैटरडे, और सैटरडे के अभी हमारे ऐसे कोई प्लान्स है नहीं, क्योंकि हमारे अभी इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ मीटिंग है. उसके साथ मूव मीटिंग करनी है मुझे, और कुछ डिज़ाइंस फाइनलाइज करने हैं, कुछ चीज़ें फाइनलाइज करनी हैं, ड्राइंग्स बनवानी हैं. तो अभी यही हमारी प्रायोरिटी है काम की. और शादी आने वाली है घर की, एक और शादी आने वाली है. गाइज मैं पागल हो गई हूँ शादी अटेंड कर करके. मैं इतनी शादियाँ अटेंड कर रही हूँ ना, मैं थक चुकी हूँ. बट येस गाइज जो शादी आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी सिस्टर इन लॉ की वेडिंग है, तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है, जो हम थोड़े टाइम बाद शुरू करेंगे आफ्टर क्रिसमस. तो ठीक है गाइज, थोड़ी देर बाद मिलते हैं. तो जितना हो सकता है थोड़ा रैप अप करती हूँ काम को, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस का भी काम करना है. सो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. सो गाइस सभी हो चुकी है रात, और सान्विका सो चुकी है. हमारा भी हमारे यहाँ कुराना है, और मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो वो हंस रहा है. और यही ऐसे लोग हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं और हंसते हुए लाइक भी यही लोग करते हैं. ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं पास में कैफ़े में. मैं रेडी भी नहीं हूँ, जस्ट मैंने अपने नाइट सूट के ऊपर ना ऐसा कोट पहन लिया और शूज़ पहन लिए. जस्ट फटाफट खा के आते हैं इससे पहले कि सान्विका उठ जाए. तो हम पहले भाग भाग के खा के आते हैं, बिकॉज मम्मा है अभी खानू के पास. मम्मा है अभी खानू के पास, कह रही हूँ मम्मा है अभी सानू के पास.
सो बहुत ठंडे हो, मैंने सिर्फ एक कोट पहना है और आई थिंक इससे बात नहीं बनने वाली है. सो लेट्स सी गाइस, हम यहाँ पे आए हैं एक छोटे से कैफे में हमारे घर के पास है खाने के लिए, दैट सपोर्ट प्योर वेजिटेरियन कैफे. बिकॉज ये जो बंदा आया है ना हमारा खुराना, ये बहुत प्योर वेजिटेरियन है एंड सो क्यूट लिटिल स्वीट सा कैफे. और हम यहाँ खाने का वेट कर रहे हैं बट है पूरा वेजिटेरियन. तो यस, यहाँ पे हम सिर्फ तीनों आए हुए हैं. बहुत ठंडी, बहुत फोक. और यहाँ पे ना ये से बच्चों का भी है, अभी फर्स्ट किया हुआ उन्होंने, स्लाइड्स भी हैं. सो यस, खाने का वेट करते हो, खाते फटाफट. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट डे. और आज हम आए हैं मॉल में अर्जेंट, लाइक जस्ट लाइक दैट, ऐसी शॉपिंग करने के लिए. और मुद्दा ये है, गाड़ी में पार्किंग तो मिली नहीं है, आज वीकेंड है. तो मुद्दा ये, हम प्राम लाना भी भूल गया, तो सानविका ऐसे गोभी में घूम रही है, ऐसे घूम रही है. मैं बैग टांग के घूम रही हूँ क्योंकि हमें बीच रास्ते में याद आया कि हमने गाड़ी में प्राम रखी नहीं है. तो गाइज आज ऐसे ही इसको खाते घूमना पड़ेगा जितना पॉसिबल हो पाएगा. तो भीड़ है आज बहुत ज़्यादा, पार्किंग मिली नहीं है, पार्किंग करी है बहुत दूर. ये सानो को ऐसे उठा के हम घूम रहे हैं, हम बैठ के, हमें लगा कि हमने रख लिया प्रैम बट नहीं रखी है. तो मॉल है वहाँ, पार्किंग कितनी दूर करी है, अब देखते हैं कैसे मैनेज हो पाता है. और अगर मैनेज नहीं होगा तो भाई हम घर चले जाएंगे. इतना ज़्यादा तो मैं नहीं उठा के घूम सकती, या कोई भी उठा के नहीं घूम सकता. इसका बैग भी मेरे पास है जो कि मैं स्कूल के बच्चों की तरह ऐसे टांग देती हूँ, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास. सो या लेट्स गो. तो गाइस हम मॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, ऊपर से है संडे. तो बस यही मज़े चल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं एक ब्रांड का शोरूम हम बेसिकली, जो हमें मिल नहीं रहा है. सो यस यस, चिराग हियर इज सानू विद हिज चाचू. सो वेल लेट्स गो. तो गाइज शूज़ वगैरह तो हमें कुछ पसंद आई नहीं, और अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं. चिराग थोड़ा सा काम कर रहा है रास्ते में, और मैंने यहाँ सानू को ऐसे लिटा दिया है, तो ये मैडम अभी रो रही है सानू. तो अभी मैं इसको देखती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं, या बाय. तो गाइज इसके बाद हम गए थे डिनर पे, और सानू को छोड़ के गई थी इसकी दादू दादू के पास. वो टाइम मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि हमें इतनी भूख लग रही थी कि मैंने फ़ोन ही नहीं देखा, और बस बहुत कुछ खाया हमने, पिज्ज़ा, हनी चिली पोटैटो, वॉफल, पराठाज, चिकन कोरमा. चिकन कोरमा था कि मुगलई चिकन था? मुगलई चिकन. और अभी बज रहे हैं रात के 12, और ये सानविका जी सोने को बिल्कुल रेडी नहीं है. पता नहीं ये सोती क्यों नहीं है आजकल यार, 20 दिन से मैं इतनी परेशान होंगी और रात को सोती नहीं है, ये वाइड अवेक है. सी बिल्कुल खेलने के मूड में मैं इसका टॉय लेके बैठी हूँ, वहाँ जरा काम कर रहा है, मेरे को कोई काम करने नहीं दे रही. और ये देखो फुल ऑन बिल्कुल जाग रही है. सानू सानू फोटो फोटो यूट्यूब व्लॉगिंग. मैं बच्चों को इतना फ़ोन नहीं दिखाना चाहिए, मैं इतना कुछ फ़ोन दिखाती नहीं हूँ इसको, बट आगे बढ़ोगे थोड़ा बहुत देखेगी ना ये कि ऐसा करते थे मेरे साथ, और ये ऐसे बैठी होती थी, ये इसके छोटे छोटे पैर, और ये इसने सॉक्स दोबारा उतार दी अपनी, ये तो मास्टर है सॉक्स उतारने में. यहाँ पे मुँह बना रहा है देखो, मुड़ के फोन देख रही, सी फोन ही दिख रहे, कैमरा देखती है बेसिकली. कुकू कुकू. तो गाइज अब मैं वेट करती हूँ इसके सोने का, उसके बाद मेरे को एक प्लानिंग करनी है कल के लिए, वो मुझे नोट डाउन कर रहा है. और आई डोंट नो मैं कब सोगी, सुबह 11 बजे मीटिंग है, वो अटेंड करनी है, कब उठेगी कब होगा आई डोंट नो. ये सो जाए बस, मेरे को नींद बहुत ज़रूरी है, मैं सो ही नहीं होती जल्दी सी. इस दिन मैं ये मुझे सोने नहीं देती, रात को भी ये मुझे सोने नहीं देती, जब ये सो रही होती हूँ थोड़ी देर के तब मैं काम कर रही होती हूँ, ऐसा ही चल रहा है. सो ओके गाइस, मुझे लगता है अभी ये रात का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, और अगर हम जागते रहे तो आपको ब्लॉग ज़रूर दिखाएंगे. तो तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू मॉर्निंग के साथ. और जो भी लोग मेरे चैनल पे हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. यार मेरे लिए नहीं तो इस क्यूटी पाई के लिए कह दो. सानू देखो, बोल दो सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल. कुकू बोल दो सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.